सो गाइज वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग और मेरी नई ब्लॉग में आपका फिर से एक बार जबरदस्त स्वागत है। तो आज होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यार आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि मौसम हो चुका है बिंदास और चमकेदार। तो आज का ब्लॉग इंटरेस्टेड इसलिए होगा क्योंकि बहुत थोड़ी सी धूप निकली है और हम इस समय क्षेत्र पर आ चुके हैं, एक नई लोकेशन पर आ चुके हैं और वो लोकेशन आप लोगों को पसंद आएगी। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं, सो दैट कंटिन्यू माय ब्लॉग और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो हम आप लोगों को लेके चलेंगे यहाँ की जो वादियां हैं, जो लोकेशन है, बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगी। तो सो दैट कंटिन्यू माय ब्लॉग। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ आ चुके हैं पंकज भैया और हमरी जो धन्नो है, और हमरी धन्नो हमने अपनी धन्नो को यहाँ पे खड़ा किया है और हमरे साथ में आए हैं बहुत जबरदस्त कॉमेडी हमारे बाबा जी। हेलो हाय, कैसे हैं? हाउ आर यू फाइन कैसे हो? बढ़िया है। क्या कहेंगे लोगों से? का कही बढ़िया। अंशु करो जो वीडियो है का भैया, खूब बढ़िया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे तक बढ़िया कर रहे बढ़ा। अंशु के हाथ रजवाड़ा बना एकदम। तो यार आई होप आप लोग देख सकते हो कि हमारे बाबा तो हमरे बाबा हैं और हमारे बाबा हमको मानते हैं बहुत दिल से, अच्छे दिल से। और तुम भी तो मानते हो कि तुम नहीं मानते हो क्या? मानते हैं। तो यार अभी यार यहाँ की लोकेशन जो रहेगी और हम तो चलेंगे यहाँ पर, हम लोग दिखाएंगे आपको यहाँ की जो लोकेशन है, और इस लोकेशन पर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। चलते हैं इस जंगल के अंदर और कुछ खास चीजें रहेंगी। थंबनेल देख करके तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलते हैं इस जंगल के अंदर। शेर देखो। तो यार अभी देख सकते हो कि यहाँ का यार खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत नजारा, यार कितना इंटरेस्टेड लग रहा है। और बहुत देखिए, हम आप लोगों को लुक दिखाते हैं वहाँ का। और ये जो फील्ड है, अरे हमारे यहाँ पर बहुत इतनी ज़्यादा फील्ड पड़ी है कि आराम से आप दो चार कंपनियाँ, दो चार फैक्ट्रियाँ हैं जो इधर खोल सकते हो। इट इज़ गवर्नमेंट, जो ये ज़मीन है ये गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है। लेकिन यहाँ बिल्कुल फील्ड वगैरह सब पड़ा रहता है और अपना अपना लोग काम करते हैं, काम धंधा करते हैं। चला यार, हाँ एक बार देखते हैं। हाँ पकड़ लोगे? तो यार अभी देखो यहाँ पर कुछ दिखाएंगे अभी आप लोगों को इस तरीके का। और यहाँ से दोस्तों रेतीली जगह होती है और इस रेतीली जगह में जानते हो क्या होता है कि यहाँ से मिट्टी, कुछ इस प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पर पाई जाती है, इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अभी आज दोस्तों बारिश हो गया है जिस वजह से ये मिट्टी जो है ये थोड़ी वैसी हो गई है, थोड़ी गीली हो गई है इस वजह से। नहीं तो इसको ऐसे अगर उड़ा देते तो एकदम से उड़ती, लेकिन आपके कपड़े नहीं गंदे करती हैं। तो यहाँ पर अभी देखो कुछ मिट्टी यहाँ से खुदाई हुई थी कभी। तो यार ये हाथ मत यार डालना इसके अंदर। ये ना कुछ हाथ डरी हो का है। हाँ, इसके अंदर हाथ नहीं डालना यार। यार देखो ये छोटे ये जानवर होते हैं, जानवर ही तो खोदते ना इसको यार। इसमें पंजे के निशान कहे के बने हैं बाबा। हाँ। ये पंजे के निशान ये सब वही खोद दिए निकालना उनको, जो कौन काम आ रहा तुम है ना। स्याही। अच्छा स्याही। तो यार स्याही यार इनमें स्याही मिलती है और क्योंकि इनके अंदर ही स्याही बैठती, जिसको हम लोग नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील। अरे यार उसके जो पंख होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, कांटे वाले होते हैं। अगर वो मार देना तो बहुत ज्यादा आप लोगों को पेन होगा। और उनकी प्रोटेक्शन वो अपने आप उसी से करती हैं, ऐसा क्या? स्याही कैसे प्रोटेक्शन करती है? स्याही करो बहुत बड़ा होत करे वो। क्या बता रहे? सही बहुत बड़ा कांटा होता है। अच्छा कांटा बोलो ना यार, हमने तो सोचा घर के अंदर रखोगे तो घर भर लड़ाई आपस में ही करते रहोगे। किसको? अगर स्याही कांटो रखोगे घर में। हाँ। तो आपस में ही झगड़ा होता रहेगा, जान नहीं पाओगे कि एक किस प्रकार से झगड़ा हो रहा है। अच्छा। हाँ। इतना बड़ा होता है उसका, खूबी होती है। स्याही के अंदर से सिया सिंघी निकलती है। सिया सिंघी? हाँ। सिया सिंघी सिया सिंघी निकलती है स्याही के अंदर से। हाँ। उससे क्या होता है? उससे उसमें इंगुल में रखी जाती है, इतना बड़ी होती है। हाँ। तो अपने अपने बढ़ती रहती है वो। अरे वो यार सियार से निकलती है, पागल हो, वो हिरन की नाभि से निकलती है। नहीं स्याही से नहीं निकलती है भाई, स्याही से निकलती है। तो यार तुम यार देखो यार बाबा इधर आगे आगे जा रहे हैं। बाबा जो है हमारे ये है मतलब वैज्ञानिक,
और ये अपना इधर फूड में कहीं ना कहीं कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हो? कोई जानवर आनवर, हम तो सांप लग का हाथ खींच तो यार ये है बिल्कुल यार, ये पूरा तत्विक मतलब खोज करता है और ये खोज रहे हैं यहाँ पर टीलों में कुछ मिले शायद, तो आप लोगों को कुछ दिखाया जाए। स्याही को खोज रहे थे, स्याही तो मिली नहीं, लेकिन स्याही की खासियत ये भैया हमारे यहाँ लौड़ा लहसुन बता रहे हैं। स्याही को लौड़ा लहसुन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तो यार बने रहिए हमारे साथ में, बाबा आगे आगे ले चलेंगे। तो यार आज की वीडियो जो है वो बाबा के नाम रहेगी, क्योंकि बाबा को लेकर के आए हैं एक नई लोकेशन पर। और यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ पतौरा ही पतौरा। क्या है पतौरा? पटेल, पटेल, पटेल है पटेल। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पतौरा। तो जंगली भाषा में पतौरा बोलते हैं। और यार देखो अभी कुछ खोजेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलेगा तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। सो दैट कंटिन्यू माई ब्लॉग, और मेरी ब्लॉग में बने रहिए। तो यार अभी देख सकते हो हम यहाँ अभी खोज कर रहे हैं कुछ चीज की, आई होप मुझे कुछ मिले। तो चलते हैं यार इधर, बाबा लोग तो पीछे आ गए हैं। और देखिए यार, यार ये क्या है, ये क्या मिल गया? हड्डी मिल गई यार, ये हड्डी लगती यार किसी चीज की। बाबा यार ये देखो, ये कुछ हड्डी जैसी पड़ी है, देखो क्या है ये, ये देखो यहाँ पे हड्डी जैसी है कुछ यार, देखो तुम। बाबा हमारे वैज्ञानिक बाबा आएंगे अब इसको बताएंगे ये क्या है यार, देखो ये यहाँ तो यार हड्डी है। ये कहाँ की हड्डी है भाई? हमारी तुम्हारी रीढ़ पर की है। हमारी तो यार हमारे पास है यार, तुम्हारी अपने ना है, मतलब हमारे तुम्हारे है, आदमी के रीढ़ पर की है यहाँ के। क्या यार बता रहे हो, ये पीठी पर की है यहाँ? नहीं ये कुछ जानवर की है, पर की है, बंगली है, रीढ़ पर की। ये यार देखो किसी जानवर की शायद ये हड्डी है जो यहाँ पर पड़ी है। आंख बनी है, आंख बनी है। इतना छोटा जानवर कौन सा हो सकता है यार? पैर की हड्डी है, ऐसा तो नहीं पैर की हड्डी है, खोखली होती। दिखाओ जरा इधर, दिखाओ ऊपर, दिखाओ ऊपर, दिखाओ। अरे हाँ यार ये हड्डी। तो यार ये कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और क्योंकि ये जंगल है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को। तो अब चलते हैं दोस्तों किसी दूसरी लोकेशन पर, और यहाँ का जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पूरा, हमने इधर इलाका जो आप लोगों को कवर करके दिखाया, और दूर दूर तक आप देख सकते हो कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इधर घूमने के लिए आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। अब दोस्तों चलेंगे उधर, दूसरा जंगल है उधर लेके चलेंगे आप लोगों को, और बाबा जी हमारे साथ में चल ही रहे हैं। तो यार बाबा जी तुम यार खाली, अरे ये देखो शेर के रे पंजा बने हैं। कहां? ये देखो ये शेर के रे हैं यार, ये यार बड़ा यार पंजा है यार ये। हाँ। शेर के है, शेर नहीं, ये तो ये कुत्ते का तो है नहीं यार, बड़े हैं शेर के। नहीं यार ये हकीकत है, शेर के रे हैं ये देखो। देखो ये कुछ पैरों के निशान आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये कुत्ते के नहीं हैं, और ये बड़े बड़े पैर के निशान आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जंगल एरिया है और इसी में शेर भी और जो भेड़िया जिसको बोलते हैं वो भेड़िया भी देखने को मिलेगा। तो यार बाबा तुम यार खाली मोली ये बताते रहते हो, तो तुम यार खाली नाम के बाबा हो और मतलब काम के बाबा नहीं हो। तो कहाँ काम करी बता? काम के बाबा तुम हो ही नहीं, शेर के रे तुमका पंजा दिए, आदमी के हड्डी यार इन्होंने कहा था कि यार हम तुमको चलो चलते हैं भूड़ पे लेके चलेंगे, तुमको कुछ अच्छी चीजें दिखाएंगे, तो हमको यार ये हड्डी दिखा रहे हो, और चीज देखेगा चले आके। तो यार चलिए हमारे साथ में बने रहिए वीडियो में, चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर, मजा तो आने वाला ही है क्योंकि हमारे साथ है प्यारे बाबा, चलते हैं। तो यार इस समय देखो हम दूसरे वाले जंगल में आ गए हैं, ये रोड के इधर का जंगल है, ये थोड़ा आप लोगों को घना दिख रहा होगा, और बाबा यार आगे चल रहे हैं। क्या है, क्या है यार कुछ? ये तो यार बजरंग बली का, ये तो गधा है, गधा है ये बजरंग बली का यार, तुमको कुछ पता है क्या है? ये तो गधा यार, किसी बच्चों ने बनाया यार इसको, लगता है इसको बच्चों ने बनाया। बच्चे यहाँ दोस्तों बच्चे खेलने आते हैं और जंगल में रहते हैं, वो देखो इस तरीके की प्यारी प्यारी सी डिजाइन बना के इस इधर डाली है, और ये मतलब ये क्या बोले, जंगली जो बच्चे जंगली वाले वो जंगली। ये देखो आ गया, आओ टू 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 टू, आओ आओ आओ, वो चलो इसको पकड़ते हैं।
पकड़ 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 यार ये देखो उसके अंदर चला गया। तो यार हम बता रहे थे कि ये जो डिजाइन आप देख पा रहे हो ना इस समय, ये डिजाइन आपको यहाँ पर हप गए यार, बहुत तेजी से आ गए थे, दौड़ के आ गए यार। तो ये डिजाइन के बारे में बता रहे थे, ये सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन, इसको बजरंगबली जो राम जन्मभूमि पर जो निर्माण हो रहा था अयोध्या में, उसी के लिए देखो इतना जबरदस्त लड़कों ने प्रदर्शन किया था और इसको यहाँ पर डाल दिया है। तो ये हमारे देश का जो संस्कृति है, जो देश का कल्चर है, वो आज भी जुड़ी हुई है बच्चों के मन में कहीं ना कहीं से। तो आप देख सकते हो इसको, ये गधा ही शायद लग रहा है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये किस चीज़ की डिजाइन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं यार, बाबा लोग आगे चले गए क्या, कहीं पे दिख नहीं रहा। अरे कहाँ ऊपर जा यार, ये तो बाबा का है यार, नीचे गिरोगे आके एकदम से। हाँ? उसके ऊपर क्या करने गए तुम? अरे ओका कुत्ता बौरानो राहे दगदाय ले राहे बौराना। अरे देखो देखना तो यार इस समय देखो बाबा हमारे लगा रहे डंड भाई यार एकदम लगी। तो यार ये एकदम डंड बैठक लगाने गए थे, वो यार डॉगी आया था, और वो डॉगी जो आप लोग देख पा रहे थे, वो शायद ये कह रहे थे कि बौराया हुआ था, यानी पागल, पागल तो नहीं लगता था, नहीं तो हमें दौड़ा लेता। इनको लगा तो यार ये पेड़ पे चढ़ गए। तो चले हमारे साथ, अब हम आप लोगों को घने जंगल में लेके आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ मिलेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, चलते रहें हमारे साथ। अभी एक लोकेशन पे, शानदार लोकेशन पे चल रहे हैं बाबा यार, लेके चल रहे हैं हमको, जहाँ जहाँ बाबा हमारे लेके जाएंगे वहीं हम लोगों को, आप लोगों को लेके चलेंगे। कहाँ यार तुम, यार एकदम से हमको घुसेड़ दिया है। अरे अरे यार बाबा तुम, यार खाली बाबा ही हो तुम, नाम के बाबा हो यार, खाली कहाँ घुसेड़ दिया यार इस घने जंगल में। देखो क्या लोकेशन पे लेके आ गए। सुने रहा ना कुछ दुई परेम परेमी तो यार ये तो घना जंगल है, कहाँ लेके आ गए इतने बड़े बड़े गड्ढों में। तो यार अभी आप लोग देख सकते हो हम एक जबरदस्त लोकेशन पे आए यार, कहीं अगर खतरनाक कहीं सर्प वगैरह मिल गया तो यार हालत खस्ता हो जाएगी। का ही बोले, सर्पों से थोड़ा डर लगता ही है क्योंकि जहरीले होते, लेकिन इतनी जल्दी अटैक नहीं करते। तो अभी यार इस लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ की जो प्यारी वादियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है। प्रेमी लटके रहा है यहाँ, बताओ पंकज बताओ, प्रेम और प्रेमी लटके रहा है कहाँ पे भैया? इधर आगे थे आगे। तो यार अभी यहाँ पर कोई लोकेशन उधर होगी यार, का ही बोले उधर हमको नहीं चलना यार, उससे लगता है हमको डर। डर? हाँ डेर का पकत थ्री कौन ले है। अरे यार पता क्या, हम वहाँ भैया नहीं जाएंगे तो भाई रहा दो जाए। तो यार यही बताओ क्या खासियत है इस भूड़ की? भूड़ के लिए खासियत तो हमें जंगली जानवर रहे। हाँ, हाँ, और बहुत क्या से, बहुत सांड वगैरह है, सांड है, सांप आप है, शेरव है, चीतव देखो गो है। अच्छा हाँ बहुत चीजें हैं। तो इसी का आप निरीक्षण करने आए थे? हाँ हाँ। तो निरीक्षण में मिला कुछ? हड्डी मिली यार, हड्डी सूखी हड्डी है। तो यार अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हड्डी सूखी हड्डी मिली थी, और बाबा ने तो सब बता ही दिया कि इस जंगल की क्या क्या खासियत है, और अच्छा तो लग ही रहा है। तो अब हम चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर, और शानदार लोकेशन पर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, कंटिन्यू रहिए, सो दैट कंटिन्यू माय ब्लॉग। लाइक जरूर कर दीजिए यार, लाइक नहीं करते लोग। लाइक कर देव करे भैया, बता हाथ जोड़ ली तुम लोगों ने, देसी अंत क्या कहते हैं, रजवाड़ा बनवाई यार रजवाड़ा जय का कार रजवाड़ा यार। देखो बाबा भी यार हमारे लिए 2 लाख 10-5 लाख में काम चले यार भाई, थोड़ा यार भाई सुन लो यार, भगवान करे यार हमारी बात सुन जाए और बाबा आपकी बात सच्ची हो जाए, तो आपके मुँह में बालू शक्कर, बालू शक्कर है खोया शक्कर हाँ तो बाबा के मुंह में, बाबा की बात सच हो जाएगी तो बाबा के मुंह में बालू शक्कर, और बालू शक्कर मतलब बालू सानी हाँ वही बालू शक्कर, रसगुल्ला वो जो सूखी वाली आती है क्या उसको बोलते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और एक प्यारा सा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करने से मुझे साहस मिलता है, और हम आप लोगों के लिए ऐसी ब्लॉग लेके आते रहते हैं, सो दैट कंटिन्यू माय ब्लॉग। तो यार बाबा अभी यार यहाँ पर कुछ मिला है यार, देखते हैं क्या मिला, कहाँ पे गया, क्या है? तित्री बच्चा है, तित्री कहाँ कहाँ पे है, तिरे है, तिरे है, है, है,
यार अभी यार इसमें देखो खोजा जा रहा है और कुछ होगा तो यार आप लोगों को दिखाएंगे। बाबा यार कैसे मिला? ये इधर वो पीछे वो गया ये इधर आ गया। इधर इधर आया था। देख लियो ना। हाँ इधर उल्लू बना हुआ। नहीं हाँ इसी के पास आया है। ये डंडा कैसा पड़ा है? अरे बच्चे नहीं दिखाते यार। इधर ही तो आया है। कैसे घुसा? तो इसी में बहुत तेज भागते हैं यार ये। तो यार अभी इधर ही तो यहाँ से निकला है ना इधर को। तो अभी कहीं दूर थोड़ी गए होंगे। दूर तो आए गए हैं लेकिन मिलना मुश्किल है यार। यार उल्टा मिलो ना देखा नहीं ना। अब वो होने कहाँ पर खड़ो हुए सारे बड़े रूम करे देखो तो यार अभी देख सकते हो यहाँ पर एक तीतर जो बोलते हैं तीतर के बच्चे कुछ थे और तीतर थे बड़े बड़े और उनको बाबा जी खोज रहे थे। उल्टा उल्टा हो जाते हैं नहीं मिले। मिले क्या? अब यार लगता नहीं मिल पाएंगे। तो क्या करते ना काले चलते ना घर का पकड़ के पलटन चले। अच्छा तो ये रुक जाते हैं। हाँ करे बढ़िया। इसमें भी यार नहीं है। इसमें भी नहीं मिलेंगे यार। बहुत तेजी से भागा था ना हमने देखा था उसको। शायद कैमरे में शूट हुआ है भागते हुए। कैमरे में आ गया है भागते हुए। दोस्तों कैमरे में शायद आ चुका है शूट हमने कर लिया है। आपको दिखा क्या कमेंट करके जरूर बताइए। तो यार आप चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सो दैट कंटिन्यू माई ब्लॉग। सांप तुम बहुत बड़े तुम यार बहुत बड़े वो हो क्या मतलब क्या बोलते हैं बहुत बड़े सफेरा। हाँ कैसे पकड़ा था सांप कैसे बताओ? कैसे बताओ बाहर में यहाँ इसे पूछ पकड़ के रे खींच लो लेकिन एक दो आदमी के बस को ना आए खींच ले। बहुत बड़े तुम सफेरा हो यार अब कहेंगे नहीं यार खाली मूली। देखो का ही बता रहे करे सांप पकड़ लिया था। नहीं भाई मैं घुस जाए फिर उसको नहीं निकाल पाओगे। हाँ ये सांप को पकड़ लेंगे इतने बड़े यार है तुम यार खाली यार फेंकते बहुत ज्यादा। यहाँ रहाई भाई का सांप के यहाँ खींचो तो पकड़ ना पे हो चार छह लोग खींचो बाहर में से पूरा सांप ना निकाल। इतना फेंक रहे यार हद हो गई यार। कम से कम यार थोड़ा बहुत सही बोला करो। ये बता रहे सांप पकड़ के खींच रहे थे ये कर रहे थे यार मजा है यार तुम सब किरकिरा कर देते हो। तीतर तो यार पकड़ा नहीं गया इनसे अब सांप पकड़ने की बात कर रहे हैं क्या यार का ही मजा है यार सब। तो यार अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपनी धन्नो के पास और पूरा रिव्यू किया हमने यहाँ के जो माहौल था और यहाँ की जो लोकेशन थी और हमने बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया।